मस्त है, तैयारी अच्छी चल रही होगी बच्चों। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आया हूँ मैं। ये मॉक टेस्ट पेपर वो टेस्ट पेपर है जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। आपको दुनिया कुछ भी कहे, आपको ये पेपर करने हैं। अगर आपको विश्वास है, आपको अगर आपको फेथ फुल है, तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी लाइफ इंटरचेंज होगी, लाइफ चेंज होगी आपकी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन को करिए, अपनी कॉपी में नोट करके आप इनको करिएगा। 10 मिनट आपको देने होते हैं। पहले भी मैंने मॉक टेस्ट पेपर आपको 100 मॉक टेस्ट पेपर आपको मैंने दे रखे हैं, आप उनको करिए। रोज के 10 मिनट आपको देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं लाइफ चेंज होगी। ये 12th बोर्ड के साथ आपके ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं, एनडीए का है, जीमेंस का है, सेकंड ग्रेड का है, और भी आपके जो लाइफ के अंदर कंपटीशन है, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको कोई भी कुछ भी गए करना है आपको, बस ये बात ध्यान रखिए। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर आज आपके पास 101 है, जो 12th बोर्ड के साथ साथ ऑल कंपटीशन के लिए भी ये आपके पास होगा। मात्र आपको 10 मिनट देने होंगे। इसको करने से आपकी लाइफ चेंज होगी। तो देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए, फाइंड वैल्यू और इनवर्स और 3π/5, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म और इनवर्स √1 cosx / 1 cosx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू cos π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 cos। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इफ a² = a है तो i - a³ + a क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a = -2 0 0 1 2 3 5 1 - 1 देन a डिजॉइंट्स a का मॉडुलस अर्थात डिटरमिनेंट्स क्या, मॉडुलस है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, fx = x + 3² - 36 / x - 3 है, x≠3 इज कंटिन्यूस, x = 3 और x = 3 है, इसकी वैल्यू क्या है। अगर ये कंटिन्यूस है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, d/dx tan inverse x² का डेरिवेटिव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, d/dx cos inverse e^-x का डेरिवेटिव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, -π/2 से π/2 x³ + x³ dx है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 0 से 7 dx / √49 x² है। इस तरह से आज अपनी कॉपी में नोट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर दीजिए। मैं अब प्रत्येक सवाल का आंसर दे रहा हूँ, जो बोर्ड की कॉपी में नहीं, आपके ऑल इंडिया में ऑप्शन के जो सवाल आते हैं उसमें भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा बच्चों, आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, sin inverse x/7, क्यों, ये 7 का स्क्वायर है, a² - x² का फॉर्मूला लगेगा, आपके पास इसका इंटीग्रेशन ये आया, 0 से 7 आपने रखा, क्या आया, sin inverse 7/7 - sin inverse 0, 7 से 7 कटा, π/2, ये आंसर आपके पास आ गया। 1 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, आपको ये जवाब देना है। तो नोट कर लिए बच्चों आपने अपनी कॉपी में, ये आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बाप, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, देखिए -π/2 से π/2 x³ + x³ dx है, आप देखिए क्या fx = x^5 + x³ है, एक्स की जगह -x रखिए, -x^5 - x³ - fx हो गया, ओड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, d/dx cos inverse e^-x का डेरिवेटिव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, cos inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x², तो e^-x² का स्क्वायर होगा और e^-x का -e^-x होगा, इस तरह से इसका आंसर ये होगा बच्चों। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 मिनट के अंदर आपको जवाब देना होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, d/dx tan inverse x²
tan इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, यहाँ पर पावर 4, x स्क्वायर ऑलरेडी है, x स्क्वायर की पावर 2 होगी और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ये इसका आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, fx बराबर x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूस है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, k इज इक्वल टू f 3 माइनस 0 या 3 प्लस 0, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। k बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर रखिए 3 प्लस एच प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 3 प्लस एच माइनस का 3, 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर खोलिए लिमिट एस टेंड्स टू 0, आपको पता 3 और 3 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 एच प्लस आपके पास हो गया क्या गया आपके पास एच स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एच, कैंसिल हुआ, आपने देखा एच से एच कैंसिल होगा, के बराबर क्या आंसर आ गया, 12 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास 8, 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 का जवाब क्या है, a इनटू a डिजॉइंट सेट का डिटरमिनेंट क्या होगा। बच्चों आपको पता है क्या होगा इसका, आप क्या लिख सकते हैं, क्या कहती है इसकी प्रॉपर्टी, इसका क्यूब के बराबर होगा, क्यों a इनटू a डिजॉइंट है, आपको पता है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसके अंदर ये 3×3 ऑर्डर की है इसीलिए आप इसको क्यूब लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट से की वैल्यू निकालिए, आप आपको पता है डिटरमिनेंट से की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 6 और कितना हो गया 6×2 क्या है माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 8×2 10, आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई बच्चों। अब आपको पता है क्यूब करना है तो इसका 1000 आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास है, ए स्क्वायर बराबर ए है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस नहीं माइनस 3ia इंटू आई माइनस ए प्लस का ए, आप इसको सोल्व करिए और ए स्क्वायर की जगह ए रखो, आपको पता है इसका बदल क्या आएगा, आई माइनस का ए माइनस का 3a और 3a ओनली और आपके पास आ गया प्लस 3a स्क्वायर का ए प्लस का ए, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया आपके पास, आई आ गया आपके पास। तो इस तरह से इसका रिजल्ट होगा। अब देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, cos π/3 + sin इनवर्स 1/2 है, क्या लिखोगे आप, cos π/3 और आपको पता है 1/2 है तो π/6, तो ये बन गया cos 90, cos 90 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म है, कैसे लिखोगे आप, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एक से कैंसिल, दो से दो कैंसिल, आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया cot इनवर्स cot x बाई 2, तो आपके पास आंसर आ गया क्या है x by 2, ये बन गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए cot इनवर्स cot 3 pi upon 5 है, cot इनवर्स से cot कैंसिल हुआ तो 3 pi upon 5 हुआ, क्या ये बिलोंग करता है 0 और pi को, यस ये बिलोंग करता है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों ये इसका आंसर हो गया, अगर ये बिलोंग नहीं करता तो ये आंसर नहीं होता, फिर अपने को चेंज करना पड़ता। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखकर अगर रोज आप इसके क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी। अब कैसा लगा, समझ में आ रहे तो आप बताइए आपको कैसा मैटर चाहिए, मैं कहता हूं अगर आप 10 मिनट देते हैं आपकी लाइफ चेंज होगी। अपने फ्रेंड्स को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, आइए आपको बेस्ट लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं आपकी लाइफ चेंज होगी। दुनिया आपको कुछ भी कहे आप विश्वास करिए, मैं तो मेरे वाली डिसीजन पर 8th क्लास 9th क्लास 7th क्लास सब क्लास 8 से लेके बीएससी तक एमएससी तक आईएएस आरएएस की सभी क्लासे आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, दूसरों को भी चेंज कीजिए और इसका बेनिफिट